अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र असी तो सारे ठीक ठाक हाँ। जैसे कि तुसी देख रहे हो, वीडियो का आगाज़ मैं कर लिए स्कूल दी बस तो ही, क्योंकि बस नीचे आ चुकी है तो बस वो सामने छोड़न गए ने, तो नाल ही मैं ना नाश्ते की तैयारी भी कर रही हूँ। उपर अपनी उपर नाश्ते वाली जगह तो मैं देख रही हूँ, जहाँ मेरी किचन की खिड़की। नाश्ता करने तो बाद असी जाना जी ज़रा एशिया शॉप ते ग्रोसरी करन, ते आ जाओ तुहानू नाल लैके चलिए। तो वेखो असी आ गए जी, तो असी इतों लैने जी आटा चावल। पत्ती खत्म सी, मैं कहा जी अगर पत्ती ना नहाए तो सुबह चाय नहीं बननी। तो साड़ी सुबह की जोड़ा आगाज़ ना वो चाय नाल हों, तो चाय की खुशबू ना ना आए तो घर घर नहीं लगता। चलो जी इतों सौदे लै लो कि जल्दी चलें घर, तो मियाँ याद आ गया ओ बी चु ताला लैना। तो ओ बी आ गया, मैं कहा तुसी तो बड़ी जगह इस जगह तो इस जगह तो भाई कल्ले आ के ले लो, लेकिन नहीं जी कट्ठे हूँ आए हैं तो इतों लैके चलने। इन्होंने कि घर जाके सफाइया करनिया ने मेरे, तो फिर जाके सफाइया भी कर, फिर आ जो ग्रोसरी लियांदी है ना इनू सामना भी एक काम है, यकीन कर लो। अलहमदुल्ला करिया करो, अल्लाह का शुक्र तो अदा करने तो कि अल्लाह ताला ने चलो जी सौदे खरीदे ने, लेकिन फिर भी ना शुक्र है ना, फिर भी आने थक गए हैं सही गल सौदा रखने। इन्हों पता की गल है, अपनी जगह पर रखना भी एक काम है। तो भी च लैना एक जिस ताला, तो ताला मैं घट, तो किचन मैं चौखे वेखे जे किचन लगे, क्योंकि मैंने किचन बड़ी पसंद है। मैंने स्टाइल अच्छा लग रहा है, नुक्कर तो टेबल का वो, तो मैं क्या मेरे वस में नहीं आया, क्योंकि इतने के किचन और तरह के ने, हर दूसरे दिन लगवा तो सकते नहीं, इन्ने महंगे ने। तो मैं क्या तुम वेख लो, तुम्हें कोई अच्छा लगे तो तुम इस आइडिया का किचन लगा सकते हो। तो गल कर रहे चाबी की, असी किचन लगाने ताला लाक, क्योंकि वह सामना उन्होंने लिमिट का नहीं पता चलता कि आइस खानी है, तो अगर वह मूड आया तो उन्हें पूरा डब्बा खा जाना, तो असं फिर लाक ला दें, तो फिर वो हिसाब से ना वही आइस उन्होंने देने दिन चार या पाँच, लेकिन अगर ताला ना लगे तो फिर बहुत ज़्यादा खाना, असं वो सेहत का भी ख्याल रखना होंगे इसलिए। तो चलो जी इतने असं हूँ घर पहुँच आए हैं, तो घर पहुँचदा साल ही मैं जल्दी जल्दी पानी उबालिया, उसके विच नाल नूडल डाल दिते ने, नाल आटे की मशीन ला दी है, नाल फिर वही है काम कि शुक्र अलहमदुल्ला कि चीज़ा तो सारिया आ गई ने, लेकिन हूँ इन्होंने अपनी जगह पर रखना, फ्रिज में सैट करना, ए देखो समोसे वे पत्ती सारा कुछ लिया। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है। तो जिहड़ा तुहानू प्रैशर दिखाया सी वह मैं तुहानू दिखाण लगी हूँ, उस मैं प्याज यह चीज़ा चीज़ा डाल के एक प्रैशर दिता सी, बड़े अच्छे उन्हें प्याज नरम कर सकते, बस असी उबलिया होया ना लोबिया के अंदर डालों के कुछ चीज़ा तुम उबाल के थोड़ा थोड़ा उस पानी रख के ना पैकिंग डब्बिया पानी भी वह लोबिया का रखो, क्योंकि जैका रवे का तो तुम फ्रीज कर सको। तो मैं बड़ी जल्दी च नूडल बनाए ने, तो नाल मैं लोबिया बनाया, नाल सलाद शलाद कटिया, क्योंकि जिसले तुम बाहर ग्रोसरी वगैरह करो तो फिर पिछले टाइम का पता नहीं लगता। घर आंदियां साल मैं देखो कस में कोई काम नहीं जे किया, मैं सिर्फ आंडियां रोटियां ही पकाइया जे, उसके बाद खाना खिलाने तो बाद शाम तो बाद मैं घर के काम ना फिर सफाइया करूँ, तो अल्लाह का शुक्र है सफाइया है ने, लेकिन फिर भी करनिया तो होंदिया ने। पका पकू के मैं गई थक गई, मैं क्या हूँ तुम रोटी पका लो, तो हूँ फिर इतने थोड़ी बहुत तो हेल्प मियाँ करनी चाहिए, नहीं तो फिर तुम तो तुसी गए क्योंकि इन्ना मुसलसल खलोन नाल ना, वैसे कोई नहीं सारा दिन विच असी काम कर सकने हैं, लेकिन जे टाइमिंग वाले बंदे ना जिस तरह एक बजे ना काम ते जाना है, बच्चे ने आना है, दूसरे बच्चे ने आ जाना है, फिर माँ जी ना बाहर जा के घर आ के ना उन्हें सीधा पदरा कर सकती, तो इस वजह तो मिल के ही होना चाहिए ना काम। तो कौन इस तरह खाँदा, देखो प्याज लोबिया तो नाल नूडल, यकीन करो इन्ना मज़ा है, लोबिया तो नींबू निचोड़ने का ना अपना ही मज़ा सी। चलो जी खाना खाँदे खाँदे शाम की तैयारी भी हो गई कि वही आ रहा है, तो चलो यह लैन चले शाम नीचे, यह देख लो शाम का, तो इन्ने देर स्कूल रहन के बावजूद भी यदा घर आने दिल नहीं करता, तो बारिश भी हो रही है, मौसम का इतने कोई पता नहीं चलता, तो सर्दी एकदम ही आ गई, यकीन करो अच्छी खासी सर्दी आ गई। पता नहीं हुण पाकिस्तान कैसा मौसम है, तो इतने वेखो कि खसी मौसम है, तो कलर चेंज हो जाता जिसले सर्दियों का मौसम होंगे, तुम अक्सर सुनया होना जर्मनी च बड़ा ही प्यारा कलर हो जाता।
ਚਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਲ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਰਵਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।